अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सानिया दस्तखान। आप सभी व्यूअर्स का सानिया दस्तखान में स्वागत है। बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज मैं अपने दस्तखान में पेश करने जा रही हूँ पाइनएप्पल जूस, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। डिसीज़ फाइटिंग एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें, और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट भी करता है, और इसमें खूब सारा फाइबर होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फिट रखता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार हो जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं हमें इसको किस तरह से तैयार करना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने सानिया दस्तखान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वन टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अनन्नास का जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अनन्नास लिया है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, ये तकरीबन 1.5 कप के आसपास है। और साथ में मैंने 8 काली मिर्च लिए हैं, हम इसकी जगह पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। और 1 इंच का बहुत ही पतला सा मैंने अदरक का पीस लिया है, आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इतनी क्वान्टिटी में, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। और साथ में काला नमक है, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है इसमें। यहाँ पे मैंने 8 से 10 पुदीने के पत्ते लिए हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं। पाइनएप्पल जूस में पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ में मैं यहाँ पे 2 टीस्पून शुगर ले रही हूँ, और अगर आप पाइनएप्पल जूस मीठा पसंद नहीं करते हैं तो आप शुगर को बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि पाइनएप्पल खट्टा मीठा ही होता है। बस बहुत ही सिंपल है, हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें सारे जो पाइनएप्पल के टुकड़े हैं मैं जार में डाल दूँगी, और उसके अंदर सभी इन्ग्रीडियंट्स काले मिर्च, अदरक और काला नमक, और साथ में चीनी भी डाल दूंगी। और इसमें मैं 2 गिलास पानी शामिल करूंगी, फ़िलहाल मैं इसमें 1 गिलास ही शामिल कर रही हूं ताकि हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकें। हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो बिल्कुल बारीक पाइनएप्पल हमारे नहीं पीस पाएंगे। और यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल को बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है, इसमें बिल्कुल भी रेशे साबुत नहीं है, हमें इसको बहुत अच्छी तरह से ही पीसना है, क्योंकि मैं इस जूस को छानूंगी नहीं। इसमें बहुत फाइबर होता है जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, अगर आप छानना चाहते हैं तो बिल्कुल छान लीजिए। और बचा हुआ 1 गिलास पानी भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और यहाँ पर मैं बिल्कुल लास्ट में पुदीने के पत्ते शामिल करूँगी, क्योंकि जब पीने में छोटे छोटे टुकड़े आते हैं पुदीने के पत्ते के तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बार मिक्सी को और चला दिया था पुदीने के पत्तों के साथ ताकि जो पानी डाला है वो भी मिक्स हो जाए। आप इसका टेक्सचर दे सकते हैं कितना बेहतरीन आया है, कितना फॉर्मिंग इसका टेक्सचर आया है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप और गाढ़ा चाहते हैं तो इसमें आप पानी थोड़ा कम डालिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। 1.5 कप पाइनएप्पल में मैंने 2.5 गिलास जूस तैयार किया है, और 1 गिलास मेरा 200 ml का है। अगर आप इसमें ज़्यादा ठंडा चाहते हैं तो आप साथ में इसमें बर्फ़ पीस सकते हैं। और पाइनएप्पल का जूस हमारा तैयार है, तो आइए इसे सर्व कर लेते हैं। 2 गिलास लिए हैं और इसमें मैं थोड़े से आइस क्यूब डाल रही हूँ, और दोनों ग्लासेस में हम जूस को डाल देंगे। आप देख सकते हैं कलर कितना फाइन आया है इसका, और इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा आया है। जूस बनाते में जो फॉर्म बना था वो भी मैंने स्पून से ग्लास के ऊपर डाल दिया है ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाए। और साथ में हम गार्निश करेंगे थोड़े से पाइनएप्पल के क्यूब्स के साथ, मैंने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, और हम गार्निश कर देंगे इसको पुदीने के पत्ते से। और आपने देखा हमने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी पाइनएप्पल का जूस तैयार कर लिया है, जिसको बनाने में कुछ ही मिनट लगे हैं बस। और इस इंस्टेंट पाइनएप्पल जूस की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जल्द ही हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।